पिछले वीडियो में हम लोग ने HTML के फिजिकल स्टाइल टैग को आधा कंप्लीट किया था। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग फिजिकल स्टाइल टैग को पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हो जाने के बाद आप लोग पूरा फिजिकल स्टाइल टैग कंप्लीटली सीख लोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिगर प्रजापति। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एट कंप्यूटेक कंप्यूटर एकेडमी, जहां पर मैं बेसिक से लेकर टैली से लेकर सॉफ्टवेयर, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये सारे कंटेंट को सिखाता हूँ। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग फिजिकल स्टाइल टैग को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के सेशन को, जहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे फिजिकल स्टाइल टैग को। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ऑन करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल, बिग, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इतने टैग हम लोग ने कंप्लीट किए थे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे हमारे नए टैग को, जहां पर हम लोग सीखेंगे PRE टैग को, जहां पर हम लोग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट टैग दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू, उसके अलावा हम लोग सीखेंगे डिलीट, उसके बाद हम लोग सीखेंगे मार्क टैग और ब्रेक, और हमारा जो अलग टैग था पैराग्राफ टैग, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद फिर भी हम लोग इस टैग के अंदर कंप्लीट कर देंगे पैराग्राफ और ब्रेक को, और उसके अलावा हम लोग टेलीग्राफिक टैग्स को कंप्लीट करें। तो इतने टैग हम लोग आज सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग को ब्रेक और पी, जो बहुत ही कॉमन टैग है, वो सिंगुलर टैग है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो स्टार्ट करते वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे PRE टैग। तो PRE टैग क्या होता है, उसके लिए हम लोग कोडिंग यहाँ पे करेंगे। HTML हैड टाइटल, टाइटल में आपको जो भी नाम लिखना आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइटल को क्लोज किया, हैड क्लोज किया, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज एंड HTML को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं गया बॉडी के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा PRE और यहाँ पे मैंने लिखा PRE को क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, मैंने एंटर मार के लिखा वर्ड हाउ, एंटर मार के मैंने लिखा आर, फिर मैंने लिखा यू, और उसके बाद मैंने लिखा आई एम फाइन। इतनी चीज़ें मैंने लिखी। यहाँ पे देखो आप, मैंने सारी चीज़ें एंटर मार के लिखी है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के टाइम में मैंने लिखा a.html, जो कि आपको लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो आप कोई भी एक्सटेंशन से इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, फिर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मेरे पहले से ऑलरेडी एक फाइल बनी थी। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, तो आउटपुट में आप देख सकते हो, जैसा मैंने एंटर मार के लिखा था वैसे ही हमारा आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो इसी तरह से हम लोग PRE टैग का यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये PRE टैग को यहाँ से निकाल दूँ, यानी कि मैं यहाँ पे PRE को ओपन और क्लोज यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और आउटपुट को चेक करूंगा, तो देखो मेरा टैग एज इट इज इस तरह से आ रहा है। तो अगर आपको वन लाइन में चाहिए था जैसे ही हम लोग ने किया था वैसे ही हम लोग आउटपुट में चाहिए, तो PRE टैग को लिखना है, उससे हमारा एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। होप सो आपको PRE टैग समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा टैग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफिक टैग्स, TT बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माय नेम इज जिगर सर, ये मैंने यहाँ पे लिखा और TT को मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया। आउटपुट आप चेक कर सकते हो, हमारा आउटपुट देखो कुछ अलग तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कॉमन कुछ फॉर्मेट में आ रहा है, और ये वाला थोड़ा सा फॉन्ट हमारा अलग है। ज्यादा आपको फर्क दिखेगा नहीं यहाँ पे टेलीग्राफिक टेक्स्ट में, बट कॉमन फर्क आपको दिखेगा, जैसे कि माय नेम इज जिगर सर जो मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड से काफी अलग दिख रहा है, थोड़े टेक्स्ट में चेंजेस दिख रहा है। इसको मैं छोटा करूंगा तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। उसके बाद पर्टिकुलर कोई चीज को मुझे हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा मार्क टैग। सो मैंने यहाँ पे लिखा आई एम मार्क टैग, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा आई एम मार्क टैग, और उसके बाद मैंने मार्क को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वो टैग्स पर्टिकुलर हाईलाइट हो गया, यानी आई एम मार्क टैग हो गया। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेलीग्राफिक टैग्स था, ये मेरा मार्क टैग है जिसमें येल्लो कलर आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा इसको मुझे रेड ग्रीन कलर में देना है, तो हम लोग जब CSS सीखेंगे वहां पे हम लोग इसको कलर चेंज कर देंगे। फिलहाल ये येल्लो ही रहेगा, इसका बाय डिफॉल्ट कलर येल्लो रहता है। ये कब आएगा, जब आप मार्क टैग को डालोगे। अब मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज जिगर सर एंड आई एम मार्क टैग, ये दोनों के बीच में ब्रेक होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज करूंगा, ब्रेक और नीचे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद हमारा ये टैग नीचे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे दो लाइन का ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो बार ब्रेक का यूज करूंगा, यानी हमारा दो लाइन का ब्रेक आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लाइन, एक ही टैग से मुझे दो लाइन का ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा पी को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप आउटपुट चेक कर सकते हो, मेरा दो लाइन का ब्रेक पैराग्राफ्स के थ्रू आ रहा है। तो ये टैग मैंने कंप्लीट किया PRE ब्रेक, उसके अलावा मैंने मार्क टैग को कंप्लीट किया, और उसके अलावा हम लोग ने डिफरेंट टैग को कंप्लीट किया जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरे टैग को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था,
जिसमें मैंने स्ट्राइक थ्रू को लिखा, मैंने एस लिखा, एस के अंदर मैंने लिखा माय, यहाँ पे मैंने एस में लिखा 200 और एस को क्लोज कर दिया, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा ओनली 99। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 200 पे क्रॉस मार्क आ रहा है, 99 प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइक थ्रू लिखने से क्या हो गया, वो पर्टिकुलर सेंटेंस पर्टिकुलर वर्ड डिलीट हो गया। तो डिलीट करने के लिए हम लोग जिसका यूज करेंगे उसको बोलेंगे एस टैग, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे मैं ब्रेक टैग डाल देता हूँ तो मेरा ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैं एक नया टैग यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है डिलीट, जो माई नेम इज खान ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने डिलीट को क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा जो आउटपुट है माई नेम इज खान क्रॉस में आ रहा, यानी कि हमारा ये डिलीट हो गया। जो मैं काम स्ट्राइक थ्रू से कर सकता हूँ वही काम मैं डिलीट से कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग ने कौन से टैग को कवर किया, पीआरई टैग, उसके बाद टेलीग्राफिक टैग्स, हाइलाइटेड टैग दैट इज कॉल्ड मार्क, स्ट्राइक थ्रू एंड डिलीट टैग, ब्रेक एंड पैराग्राफ। जो मेरा फिजिकल स्टाइल टैग था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्मॉल, बिग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, पीआरई टैग दैट इज कॉल्ड सेम टू टैग्स, जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा ही आएगा। स्ट्राइक थ्रू से हम लोग कोई भी सेंटेंस को वर्ड को क्रॉस कर सकते हैं या फिर हम लोग डिलीट कर सकते हैं, सेम काम डिलीट टैग से भी होता है। उसके बाद मैंने मार्क टैग दिया, मार्क से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रेक से हम लोग कोई भी सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं, और पैराग्राफ से हम लोग दो अलग अलग कंटेंट को ऊपर नीचे ला सकते हैं। जो काम ब्रेक से कर सकते हैं वही पैराग्राफ से कर सकते हैं, और टेलीग्राफिक टैग से हम लोग टाइपराइटर यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो तो समझ में आ ही होगा। अगर आपको फिजिकल स्टाइल टैग के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पर भी हमें डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट वहां पर रिप्लाई के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। फिर भी अगर आपको फिजिकली कोई डाउट पूछना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एकेडमी वहां पर विजिट करके हमें डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके वहां पर भी डाउट सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया मजेदार टॉपिक लेके आने वाले HTML के रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड इमेज इन HTML, जिसको हम लोग बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टे टच इन अवर इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।